अस्सलाम वालेकुम, हम पहुंच गए कस्बो और ये है आपका रामा तीर मंदिर मेरे पीछे। आप देख सकते हैं, अभी आपको इसका अंदर का पूरा दिखाती हूँ मैं। ये यहाँ पे मंदिर के बाहर जो है ये स्टॉल्स लगे हुए चीजों के। ये मंदिर के मंडप नहीं है लेकिन डिफरेंट चीजों के लिए है और ये चीजों के स्टॉल्स हैं। मंदिर से आ गए हैं लेकिन अब आगे जाके है मंदिर। उसका ये थोड़ी सी जगह है, इनके ग्राउंड बने हुए, आपको व्यू दिखाते हैं इसका। जी हम अंदर आ गए हैं। आप हेलो, कैसी हैं आप? बहुत बुरी। क्यों, आँख कैसी है? आँख बेहतर है। बेहतर हुई है? थक तो नहीं गई? फायदा तुम? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सामने अच्छी वाली चल रही हूँ। हाँ बस ठीक चल रही हूँ, अच्छी अच्छी रहना तो अल्लाह करे। अभी देखे सामने मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। नाम क्या है मंदिर का? रामपीर मंदिर। हम रामपीर मंदिर, यस हम रामपीर मंदिर जा रहे हैं। हम यहाँ पे आए, हमने सुना है इसको बंद कर दिया है। ये दूसरी छोटा सा यहाँ पे है, ये एक छोटा सा शायद ये हनुमान मंदिर है। चल रही हो हनुमान मंदिर? चलो बिस्मिल्लाह। ये छोटा सा यहाँ हनुमान मंदिर बना हुआ है। अंदर नहीं जा सकते ना? जा तो सकते हैं। ये रामपीर मंदिर, ये इन्होंने यहाँ से बंद कर दिया है। जैसे रिक्वेस्ट करते हैं इधर के अंदर आए, ये साइड से आ रहे हैं। खोल तो दिया और कैसे खोलेंगे? ये यहाँ पे घंटी बनी है। शाम को होती है? कितने बजे? सुबह और शाम। अच्छा, मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया हमारे इस रामापीर मंदिर में कराची से लोग आए हैं उनके लिए वेलकम। तो मैडम, ये तालुका नगर पार्कर गांव कास्बो रामापीर मंदिर, मेरा नाम है भगत ज्ञानचंद, मैं मंदिर का गादी नसीब। ये मंदिर इसी जगह पे 438 साल पुराना है, मेरी 8वीं पीढ़ी मंदिर में। तो इधर लोग आते हैं, हमारे पास तो ज़्यादा परंदे हैं, 500 मोर हैं मेरे पास, 200-250 तोते हैं, हज़ारों तादाद कबूतर हैं और भी परंदे। सुबह से शाम तक 50 किलो खाना और चार टाइम देते हैं, देने वाला तो मालिक है, हाथ से डालते हैं। और दरख्तें बहुत, गाने वाले गुलकार बैठे हैं। और इस्लामाबाद से पता चले ना, बोलते अब नंगर जाना है तो चलो कास्बो चलेंगे, कास्बो चलेंगे, बहुत सुकून वाली जगह है। मंदिर से निकल गया है, देखिए मिट्टी का भी लगाया है, मंदिर से निकल गया है। उसके अलावा और जो है मोर देखने जा रहे हैं अभी आपको दिखा। भैंस बहुत पहली दफा देखी ना फायदा तुमने, नगर पार्कर की भैंस। हाँ, नगर पार्कर काले रंग की भैंस थी। अब हाँ मोर देखने, वो कह रहे 500 मोर है उनके पास। 500 मोर किधर है? 600 पता नहीं किधर है 500 मोर। मोर तो हमको नजर नहीं आया तो हम आ गए माया वाटरफॉल। अब यहाँ से हम नीचे उतर के वॉक करके जाएंगे और हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। ये हम लेक क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा
स्टीप और अजीब सा ये ऊपर नीचे का एरिया है। ये आपका व्यू है पूरा। बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो बस ये हाल है। बस मैं बिना गिरे डेस्टिनेशन तक के पहुंच जाऊं ये बस दुआ करेगा, वरना गिरना जो होता है ना मेरा मैंडेटरी होता है। ये शूज क्या तुम चप्पल उतार लिया? आशा चलो क्या पानी में जाना है? वापस आ गए बीच में रे, बारिश हो गई डेस्टिनेशन के ऊपर। क्या नहीं मैसेज बटन हम आधे रास्ते में आ गए। हाँ हम आधे रास्ते में वापस आ गए। खाने का शौक था, हमने दुआ करने का था लेकिन हम डेस्टिनेशन तक पहुँचे ही नहीं। लेकिन एक बात है, हम गिरे वगैरह नहीं, गिरा गिर गई नहीं, नहीं गिरी नहीं, नहीं गिर गई ना, गिरी कोई ना चोट लगी। हाँ ना चोट लगी, मुबारक। और जी माया डैम से निकलने के बाद हमने लंच किया, थोड़े कपड़े चेंज करके फ्रेश हुए, फिर अब हम जा रहे हैं मारवी वैली की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, हम आए हैं उमर मारवी के कुएं पे, वो जगह है जहाँ मारवी ने कुएं में कूद के जान दी थी। आए आपको आगे दिखाते हैं। और जी मारवी वेल जो था हमारा इटिनरी में लास्ट स्पॉट था, अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर यानी कराची की तरफ। तो अब हमारा जो ट्रिप है वो एंड पे आ रहा है। कैसा लगा? नहीं नहीं बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया और फाइनली हो गया साइनिंग ऑफ। फाइनली मुशक्कतों के बाद नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था। और टाइम मैनेजमेंट था लेकिन खैर वो अच्छा यादगार था, मज़ा।